यात्रा के द्वितीय चरण में प्रवेश करते हुए मैं महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ एवं आप सबका अभिनंदन। महाराज जी ने कल जीवन यात्रा के मूल सिद्धांतों से हमें अवगत कराया और हिचको मत, बढ़ते ही जाओ का आदेश दिया। यात्रा के बटोलियों को सचेत करते हुए कबीरदास जी ने कहा है, तेरी गठरी में लागा चोर बटोरिया काहे सोए। यहाँ गठरी से क्या तात्पर्य है और चोर कितने और कौन हो सकते हैं, इनसे बचने का उपाय क्या है, कृपया समझा। स्थिति है कि उसके पास पैसा हो और स्टेशन पर पहुंच जाए और टिकट लेने के लिए खिड़की में हाथ डाल ले
लेकिन जब टिकट देने वाला पूछे कि आपको कहाँ की टिकट चाहिए, तो कह दे कि जहाँ की मौज हो वहाँ के तेज। मानो जीवन में एक स्पष्ट लक्ष्य होना चाहिए कि हमको यहाँ पहुँचना है, और फिर उसी के अनुरूप साधन करना चाहिए। लक्ष्य, परम लक्ष्य तो जीवन को परमानंद, परम सुख, परम अमृत, परम मधु से एक करना है, परंतु वो परम लक्ष्य है। बीच में जो अवांतर लक्ष्य है उनके संबंध में भी स्पष्टता होनी चाहिए। अर्थ, अर्थोपार्जन के द्वारा सुख, धर्मोपार्जन के द्वारा सुख, कामोपार्जन के द्वारा सुख, मोक्ष के अनुभूति से सुख, इसमें भी स्पष्टता होनी चाहिए। जीवन का कितना अंश अर्थ के लिए, कितना काम के लिए, कितना दोनों के नियंता भोग के लिए, और कितना सबसे मुक्त होकर के तृप्ति प्राप्त करके अपने स्वरूप में बैठने के लिए, कहाँ तक विद्या पढ़नी है, पढ़ते जाना है। बहुत बढ़िया, विद्या भी एक लक्ष्य हो सकती है, परंतु जीवन का एक भाग होना चाहिए। आप अपने दिन का ही चार हिस्सा कर लो, एक विद्या के लिए, बुद्धि के लिए, एक अर्थोपार्जन के लिए, एक धर्म करने के लिए, एक मोक्ष प्राप्ति के लिए। दिन में ही विभाग चाहिए, थोड़ा थोड़ा अभ्यास सबका होना चाहिए। थोड़ी पूजा पत्र भी कर लें, थोड़ा पाठ भी कर लें, थोड़ा दान भी कर लें, कमाई का काम भी कर लें, सुखी भी रह लें, विश्राम भी कर लें। जीवन को एकांगी नहीं बनाना चाहिए। जैसे आपको ऋषिकेश से यात्रा करके गंगोत्री गोमुख जाना हो तो निश्चय कर लीजिए कि पहले दिन मोटर से चलेंगे तो टेहरी में रुकेंगे या उत्तरकाशी में। उत्तरकाशी से गंगोत्री जाएंगे तो वहां रुकेंगे कि लौट आएंगे, या गंगोत्री में एक दिन रुककर, दो दिन रुककर गोमुख की यात्रा भी कर आवेंगे कि नहीं कर आवेंगे। तो जैसे यात्रा में ये सब निश्चय पहले से करना पड़ता है, वैसे अपने जीवन के संबंध में भी एक स्पष्ट रूपरेखा होनी चाहिए। स्पष्टता न होने से दो दिन इधर सोचते हैं, दो दिन उधर सोचते हैं, और कहीं नहीं पहुंचते हैं। एक व्यक्ति यात्रा कर रहा था, चौराहे पर पहुंचा तो अपने मन से अंदाज लगाया कि हमारा लक्ष्य इस रास्ते पर होगा। घंटे दो घंटे चलता रहा,
फिर मन में शंका हुई कि मैं तो गलत रास्ते पर आ गया, तो लौट आए चौराहे पर। फिर दूसरे रास्ते पर घंटे दो घंटे चला, फिर शंका हुई लौट आया। ऐसे तीसरे पर भी गया, चौथे पर भी गया। यदि मार्ग के संबंध में स्पष्ट एवं विशद बोध नहीं है तो मनुष्य की यात्रा निरर्थक निष्फल हो जाती है। इसलिए हमें कहाँ पहुंचना है और उसका क्या मार्ग है, जैसे संकल्प करते हैं भगवान का स्मरण करके और कौन सा स्थान है, कौन सा समय है, मेरी योग्यता क्या है, मेरी परंपरा क्या है, कौन सा काम करना है, उसमें क्या क्या करना पड़ेगा, किन किन लोगों की मदद लेनी पड़ेगी, कितने ब्राह्मण लगेंगे, कितने दिन का यज्ञ होगा, उससे कौन सा फल प्राप्त करना है, ये हम यज्ञ करने के पहले ही निश्चय कर लेते हैं, उसका नाम संकल्प होता है। ऐसे ही हमें प्रत्येक काम करते समय स्थान का निश्चय, समय का निश्चय, कितने दिन में ये काम होगा, हमारी परंपरा का ये बोध है कि हमारा नवीन बोध है, और इसमें क्या क्या करना है, कितने श्रमिक लगेंगे, इसका मूल मसाला कहाँ से आवेगा, उससे बनाने में कितना श्रम और कितना व्यय और क्या क्या बुद्धि लगानी पड़ेगी, उसमें मददगार कौन से होंगे, उसका नतीजा कौन सा होगा, ये सोच के जैसे कोई काम करते हैं वैसे हमारे जीवन के संबंध में एक निश्चित रूपरेखा होनी चाहिए। दूसरी बात है कि मन में उत्साह होना चाहिए, लक्ष्य की का निश्चय और साधन का निश्चय और उत्साह होना चाहिए, क्योंकि मनुष्य किसी भी रास्ते पर चले तो कहीं न कहीं उसके पांव लड़खड़ाते जरूर हैं, प्रतिकूल परिस्थिति अवश्य आती है। ऐसा कोई मार्ग ही नहीं है कि जिसमें बस हम सोचे सोच सोच के धड़ाधड़ चलते जा रहे हैं। अनेक बातें मार्ग में ऐसी आती हैं जिनकी पहले से कल्पना नहीं होती है, कभी सफलता मिलती है, कभी विफलता मिलती है, कभी आशा बनती है, कभी नैराश्य आता है। तो ये आशा निराशा सफलता विफलता को धैर्य के साथ पार करते हुए उत्साह के साथ जीवन में आगे बढ़ना होता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि बस अब तो हम थक गए, इसके आगे नहीं बढ़ सकते, परंतु उस समय ऐसी अतर्कित सहायता आती है कि जिसके बारे में मनुष्य कभी सोच नहीं सकता। हमको यही भरत जी के ताऊ पद्मपत सिंघानिया ने कई दिनों तक घंटे घंटे भर बैठ के 1 बजे 2 बजे दिन में
और अपने जीवन की कहानियां सुनाई थी। काम करने का मन तो था, उत्साह तो था, परंतु उसमें कैसे सहायक मिले। सुखाड़िया जी ने किस प्रकार प्रेरणा दी कोटा में कारखाना डालने की और क्या सहायता की सुनाते थे। एकाएक कोई कल्पना नहीं, और एक अंग्रेज भारतवर्ष छोड़कर जाने लगा तो अपनी पूरी की पूरी संपत्ति काम करने के लिए उनको दे दिया। इसकी कल्पना उनके मन में नहीं थी, कहां से कब सहायता मिल जाएगी इसका ज्ञान नहीं है। मन में उत्साह रहे करने का तो ईश्वर भी मदद करता है। जो काम करना चाहता है ईश्वर उसकी मदद करता है, और जो पांव फैला के सो जाता है उसको भगवान सुला देता है। महाभारत में एक कथा है, एक राजा का शरीर पूरा हो गया, उसका पुत्र था राजकुमार। शत्रु ने अचानक उसके ऊपर आक्रमण कर दिया, युद्ध में वो राजकुमार हार गया। हार के घर में भाग आया और महल में जाकर सो गया। उसकी माँ बड़ी बुद्धिमती थी, नाम था उसका विदुला। उसने जाके अपने लड़के को जगाया, क्या सो रहा है, उठ। उत्था तव्यम, जागृतव्यम, योग तव्यम, भूति कर्मसु, भविष्यति तेव मनः कृत्वा सततम अव्यथैहि। उठना चाहिए, जागना चाहिए, अच्छे काम में लग जाना चाहिए, सफलता मिलेगी ये विश्वास चाहिए। भविष्यति तेव मनः कृत्वा, और बीच में कोई रुकावट आ जाए तब भी घबराना नहीं चाहिए, आगे बढ़ते चलना चाहिए। क्रिया सिद्धि सत्वे वसति महताम नोपकरणे, जिसके चित्त में उत्साह होता है उसको सफलता मिलती है। बहुत पैसा हो, बहुत लोग काम करने वाले हों, अनुकूलता ढूंढ ढूंढ कर नहीं लाई जाती है। जब हम सिंह की तरह अपने मार्ग में चलते हैं तब अनुकूलता अपने आप ही हमारा पीछा करने लगती है। ये नहीं कि इतने लोग हमारे पास इकट्ठे हो जाएंगे, इतना धन आ जाएगा तब हम ये काम शुरू करेंगे। पहले सफलता को ही देखने लगते हैं, अपनी क्रिया शक्ति को दबा के रखते हैं। उद्योगिनम पुरुष सिंह मुपैति लक्ष्मी ही दैवेन देयमिति का पुरुषा वदन्ति। जो उद्योग करता है उसके पास सफलता आती है। कोई हमारा प्रारब्ध हमारी मदद करेगा वो तो सोता रहेगा, तो कोई देवता हमारी मदद करेगा उसको क्या पड़ी है कि तुम्हारी मदद करने के लिए आवे। जब तुम लग जाओगे तो तुम्हारी निष्ठा देख के, दृढ़ता देख करके, उत्साह देख करके अपने आप ही चारों ओर से अनुकूलता तुम्हारा पांव चूमने लगेगी। लोगों की तो ऐसी बात है कुछ सोचने का नहीं। हमने अपने गांव में देखा बचपन में,
कोई महात्मा आते तो वो तो आके दरवाजे पर चौकी पर बैठाए जाते, उनका भोजन बनता, खाते पीते चले जाते। लेकिन महाराज कभी गांव में यदि गांजा पीने वाला आ जाता तो उसकी धुनी लगती पेड़ के नीचे, और आसपास कई गांव के लोग 20-30 लोग उसके पास गांजा पीने के लिए मिनटों में इकट्ठे हो जाते। तो सब जब देखेंगे कि उनकी रुचि का तुम काम कर रहे हो और छोड़ोगे बीच में नहीं, हार नहीं मानोगे, करते चलोगे, तो तुम्हारी विश्वसनीयता जो है, जो तुम लोगों के विश्वास पात्र बनोगे, वो लोगों को लाकर तुम्हारी पात्रता, विश्वास पात्रता ही लोगों को लाकर तुम्हारी सहायता करेगी, सहायक बना देगी, प्रारब्ध अनुकूल हो जाएगा। प्रारब्ध कोई किम्भूत किमाकार वस्तु नहीं है, वो मनुष्य के कर्मों से ही बनता है। बल्कि यहां तक है कि पूर्व जन्म के कर्म होंगे और उनसे प्रारब्ध बना होगा सो तो अलग है, वो भी है और अलग है। लेकिन यदि उत्कट कर्म किया जाए तो इसी जीवन में और 3 दिन में, 4-6 दिन में, 12 दिन में नए कर्म से प्रारब्ध बन सकता है। त्रिभिर वर्षई, त्रिभिर मासई, त्रिभिर पक्षई, त्रिभिर दिनई, अत्युत्कटई पाप पुण्यई ही, यही वो फलमश्नुते। यदि पूरे मनोयोग से कर्म किया जाए उत्साह के साथ, तो 3 दिन में, 3 पक्ष में, 3 महीने में, 3 वर्ष में उसका फल अवश्य अवश्य अपने जीवन में, इसी जीवन में उसका प्रारब्ध बन करके उसका फल आ जाता है। इसलिए अत्यंत उत्साह, लक्ष्य का निश्चय, उसके साधन का निश्चय, उत्साह से उसमें लग जाना, इसमें सबसे बड़ी बात है अपनी विश्वसनीयता। और उससे भी बड़ी बात है ईश्वर के प्रति विश्वास। यदि ईश्वर के प्रति हमारा विश्वास बना रहे, ऐसी स्थिति है, विश्वास निकम्मे लोगों की वस्तु नहीं है, कच्चे लोगों की वस्तु विश्वास करना नहीं है, ये कमजोरी की पहचान नहीं है, ये बड़े भारी बल की, दृढ़ता की पहचान है। विश्वास करके देखो तो सही, एक सेठ थे, अभी उनका व्यापार बहुत बड़ा है, वो एक महात्मा पर श्रद्धा करते थे। महात्मा सचमुच बहुत अच्छे थे, त्यागी थे, विरक्त थे, योगी थे, एक बार जब उन्होंने गन्ना पेरने की मील डाली, कारखाना डाला, तो और लोगों के कारखाने में जितना रस निकलता था गन्ने में से, उतना उनके गन्ने में से नहीं निकलता, उनके कारखाने में नहीं निकलता। उनका मैनेजर था जर्मन, बहुत जानकार था, उसने भी कई जुक्ति भिड़ाई पर गन्ने में से रस न निकले। उनको बहुत चिंता हुई, अपने गुरु का उन्होंने स्मरण किया, तो रात में उन्हें स्वप्न हुआ, या स्वप्न जागृत में ही उनके कमरे में गुरुजी आ गए, बंद कमरे में, भले स्वप्न ही रहा हो। गुरुजी ने बताया कि तुम
गन्ने के पिराई में चूने का रस डालो, चूने का पानी डालो, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। दो तीन दिन के बाद फिर वही स्वप्न आया कि गन्ने के पिराई के समय उसमें चूने का रस डालो, चूने का पानी डालो, रस निकलने लगेगा। उन्होंने अपने मैनेजर से कहा, मैनेजर ने सब अपनी किताब पोथी जो जर्मनी से भी प्रकाशित हुई थी देखी, कहीं ये बात नहीं मिली। उसने कहा कि मैं तो ये काम नहीं कर सकता। फिर स्वप्न आया कि तुम डाल के देखो। अंत में वो मैनेजर ने इस्तीफा दे दिया, त्याग पत्र दे दिया, और इन्होंने चूने का पानी मिलाया और गन्ने ने तुरंत रस छोड़ना शुरू कर दिया, और उनका वो गन्ना फेरने का जो शुगर की फैक्ट्री थी वो खूब चलने लगी। ये बात है सन 34 की। और फिर उसी वही मैनेजर फिर उनकी फैक्ट्री में आ गया और उसने जर्मनी में लिखा पढ़ी करके उसका परीक्षण करवाया, और वो वहाँ की पुस्तकों में लिखा गया कि गन्ना अगर रस न छोड़ता हो तो चूने का पानी डालने से छोड़ने लगता है। ये बात किसकी है? भूजरमल मोदी की। उन्होंने खुद हमको स्वयं अपने मुंह से ये बात बताई थी। तो दैवी सहायता भी होती है, कोई देवता ही आके गुरु के रूप में बता गया, कोई गुरु की कृपा से ही ऐसा उनको स्फुरण हो गया, ईश्वर की कृपा से उनको ऐसा प्रतीत हुआ। वे तो एक बात और भी बताते थे, नारायण आजकल के लोगों को विश्वास हो के नहीं, कई कई चमत्कार की बातें इसलिए लोगों के बीच में नहीं सुनाई जाती कि उन पर अविश्वास करने से भी एक प्रकार का अपराध होता है। अविश्वास अपने हृदय की दुर्बलता है, नहीं तो जो विश्वास करके अपने मार्ग पर चलते हैं उनके लिए कहीं असफलता का भय है ही नहीं, उनका दृढ़ विश्वास ही उन्हें सफलता देता है। उन्होंने गुजरमल मोदी ने ही बताया था कि कहीं कोई युद्ध हो रहा था देश विदेश में, युद्ध का नाम तो हमको मालूम नहीं है क्योंकि इतिहास भूगोल में बिल्कुल जानता नहीं है, भूल जाता है। तो उन्हें एक दिन स्वप्न में या जागृत में ही उनके कमरे में एक महात्मा आ गए और उन्होंने बताया कि इस तरह की गोली तुम बनाओ तो फौजी लोग उसको अपने जेब में रखेंगे सैनिक, और कभी उनको ठीक भोजन न मिले तो एक गोली खाने से उनका काम चल जाएगा और उनकी शक्ति का ह्रास नहीं होगा, बल बढ़ता रहेगा, युद्ध करते रहेंगे। गोली का नुस्खा और बनाने की विधि भी उन्होंने बता दी, पर फिर भी गुजरमल कहते थे कि मेरी समझ में पूरी बात नहीं आई। फिर उन्होंने हमको वो कारखाना दिखाया जहां वैसी गोली बनती है, उस मशीन की रूपरेखा क्या होनी चाहिए, नुस्खा क्या होना चाहिए मशीन का, वो गोली कैसे बनानी चाहिए और कैसे फौज में जानी चाहिए, ये सारी बात उन महात्मा ने बताई थी।
हमारा कहने का मतलब यह है कि जब मनुष्य को उत्साह के साथ, विश्वास के साथ, दृढ़ता के साथ, निष्ठा के साथ और ईश्वर पर विश्वास के साथ जब आगे बढ़ता है तो कदम कदम पर उसको सहायता मिलती है। कोई भी काम करना हो, मनुष्य की वृत्ति जो है वो संघ के प्रभाव से अवश्य प्रभावित होती है। तो जहां तक हो सके अविश्वसनीय लोगों का संग भी नहीं करना चाहिए। और जब कोई मालिक अपने ऑफिस में बैठ के शराब पीने लगता है, कई लोगों की जानते हैं, और अपने नीचे के कर्मचारियों को भी पिलाने लगता है, तो उसके साथ काम करने वालों का ही विश्वास उस पर से उठ जाता है कि ये कोई बात गुप्त नहीं रख सकता है, ये नशे में चाहे जो कुछ कर सकता है, चाहे जिस कागज पर उससे हस्ताक्षर कराया जा सकता है। तो अपनी विश्वसनीयता जो है, जब तुम अपने कर्मचारियों के सामने दूसरों से बेईमानी, दूसरों की चीज हड़पोगे, बेईमानी करोगे, तो वो भी तुम्हारी चीज हड़पना चाहेंगे, वे भी तुमसे बेईमानी करना चाहेंगे। ये जो हम बहुत अपने को बहुत खुला कर देते हैं, गुप्त रखने में समर्थ नहीं होते हैं, उससे केवल मंत्र जाप में ही हानि नहीं होती है, केवल देवता की साधना में ही हानि नहीं होती है, केवल योगाभ्यास में ही हानि नहीं होती है, बल्कि जो हमारे लौकिक काम धंधे हैं तो उनमें भी बहुत बड़ी हानि होती है। क्योंकि हम स्वयं अपने पुत्रों को, अपने मित्रों को, अपने सहायकों को, अपने कर्मचारियों को अपने ही साथ बेईमानी करने की प्रेरणा देते हैं। इस संबंध में बहुत सावधान रहना चाहिए कि हमारे ऊपर सबका विश्वास बना रहे, भगवान का स्मरण करें, आस्तिकता रहे अपने जीवन में कि भाई ये ईश्वर को मानते हैं, ये धर्म को मानते हैं, ये केवल स्वार्थ परायण नहीं है, धर्म परायण है। इस प्रकार यदि लोगों को बना रहे मन में विश्वास, तो मनुष्य के जीवन में बहुत सफलता आती है। तो बाधक क्या है, इसी से आप सोच सकते हैं कि हमारे जीवन की यात्रा में बाधक क्या है। तो बड़े विश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए और जहां तक हो सके अपने को लोगों का विश्वसनीय, ये नहीं कि हम तो जो चाहेंगे सो करेंगे, जैसे मौज होगी वैसे रहेंगे, हमारा कोई क्या करेगा, नहीं, ऐसे लोगों को जीवन में सफलता नहीं होती। कोई भी काम करना है उसमें लोगों का विश्वास जब आकर हमारे विश्वास के साथ जुड़ता है, तब हमारे विश्वास में बड़े बल का संचार हो जाता है और हमारा एक विश्वास की जगह डबल विश्वास हो जाता है। और लोगों का विश्वास मिले तब तो कहना ही क्या। आपको चाहे धर्म करना हो उसमें भी लोगों का विश्वास चाहिए, आपको अर्थोपार्जन करना हो उसमें भी लोगों का विश्वास चाहिए, नारायण यदि काम भोग करना हो तो पति पत्नी का विश्वास भी अपने ऊपर होना चाहिए। और जहां विश्वास टूटा वहां काम का सुख भी, भोग का सुख भी नष्ट हो जाता है। इसलिए हम दूसरे पर विश्वास करें ये तो आवश्यक है ही, उसमें तो बुद्धि भी चाहिए, विचार भी चाहिए,
कि किस पर विश्वास करें और किस पर न करें। लेकिन अपने को विश्वसनीय बनाने में तो बहुत बुद्धि बहुत विचार की आवश्यकता नहीं है, सरल जीवन होना चाहिए। कहिए हमारे साथ कोई छल कपट नहीं करेंगे, कोई बेईमानी नहीं करेंगे। ये दूसरों का विश्वास हमको कब प्राप्त होगा? जब हम अपना जीवन सरल व्यतीत करेंगे। हमारे गांव के पास एक ठाकुर साहब थे, वो अपने समय के महाराज पहले बीए थे जिले भर में। जिले भर में, जिला तो गाजीपुर था पर प्रथम बीए हुए थे वे। और उस समय बीए होना बहुत बड़ी बात थी। मेरे बचपन में वो बुढ़े हो चुके थे, तो मैंने उनसे पूछा कि बाबू साहब आपके जीवन में जो सफलता ही सफलता मिलती है, जहां हाथ डाल दें वहां उनको सफलता, कहीं जिला के चेयरमैन हो गए तो कहीं विधानसभा के मेंबर हो गए तो कहीं किसी राज्य के दीवान हो गए, जो काम करें सब में उनको सफलता मिले। तो मैंने उनसे पूछा बाबू साहब आपके जीवन में जो इतनी सफलता है इसका रहस्य क्या है? तो बाबू साहब ने बताया, उनका नाम था ठाकुर प्रसिद्ध नारायण सिंह। कई राज्यों के दीवान रहे थे और किसी राजा महाराजा को उन दिनों आवश्यकता पड़ती तो उनको अपने पास बुलाता, उनसे सलाह लेता। उन्होंने बताया बाबा जी हम लोगों का जन्म से ही नाम बाबा जी हो जाया करता। तो बाबा जी, और लोग सोचते हैं कि ये चलेंगे मार्ग में तो यहाँ टेढ़े चलेंगे, यहाँ मेढ़े चलेंगे, ये चालाकी करेंगे। वे लोग नाकेबंदी करते हैं हमारे जीवन की कि जंगल में इस रास्ते से वो चले जाएंगे, और वो जाएंगे तो ऐसे छिप के जाएंगे। सबकी नाकेबंदी चारों ओर रहती है, परंतु मैं तो सीधे अपने घर से उठता हूँ और जहां जाना होता है सीधे रास्ते से जाकर बैठ जाता हूं। मेरे जीवन की सारी सफलता सीधे रास्ते से चलने में है, टेढ़े बेढ़े बाके छल कपट दांव पेच के रास्ते से मैं नहीं चलता, यही मेरी सफलता का रहस्य है। यदि लोगों का ख्याल बन जाएगा ये बहुत दांव पेच करने वाला आदमी है, बहुत छल कपट करने वाला आदमी है, बहुत धोखा देने वाला आदमी है, तो यही आपके जीवन यात्रा में एक बहुत बड़ी बाधा उपस्थित हो जाएगी। ये जो हमारे जीवन में चार पुरुषार्थ हैं, ये बड़ी सावधानी से धारण करने योग्य हैं। धनस्य अर्थस्य धर्मई कांतस्य कामो लाभाय न स्मृतः, धर्मस्य याप वर्गस्य नार्थोर्थायोपकल्पते। ये जो हम धर्म अपने जीवन में करते हैं वो बंधन से छूटने के लिए करते हैं और बंधन में बंधने के लिए नहीं। धर्म वो है जो हमारे जीवन में बुरी बुरी आदतें पड़ गई हैं उनसे छुड़ावे। आप अपने अंतिम जीवन के बारे में सोचिए कि किस प्रकार का जीवन व्यतीत करना है, हमारा अंतिम जीवन कैसे होगा। ठीक ठीक कल्पना उसकी बैठाइए कि हमारा अंतिम जीवन कैसा होगा, उस समय हमारे सिर पर कितनी चिंता रहेगी,
कितना बोझ रहेगा, उस समय क्या क्या करना बाकी रहेगा हमारे लिए, क्या क्या पाना बाकी रहेगा, क्या क्या छोड़ना बाकी रहेगा, क्या क्या जानना बाकी रहेगा, थोड़ा सा अपने अंतिम जीवन के बारे में सोचिए। आप निश्चय करेंगे कि जिस समय ये शरीर छूटने वाला हो उस समय मेरे मन पर कोई बोझ ना हो, कोई पछतावा ना हो कि हमने अपना कर्तव्य पालन क्यों नहीं किया, कुछ पाने की इच्छा बाकी ना रह जाए। जो कुछ करना है सो जीवन काल में कर ले, पाना है सो पा ले, छोड़ना है सो छोड़ ले, जानना हो सो जान ले, ऐसा हमारा अंतिम जीवन होना चाहिए। तो उसके लिए यदि आप अभी से प्रयत्न नहीं करेंगे तो मरते समय आपके सिर पर बहुत बड़ा बोझ होगा, बड़ा भारी कर्तव्य होगा, बड़ा भारी पछतावा होगा, आप शांति से अपना शरीर भी नहीं छोड़ सकेंगे। इसलिए अंतिम जीवन आपको जैसा बनाना है उसके अनुकूल अभी से अभ्यास आरंभ कर दीजिए। ये जितना भी धर्मानुष्ठान है ये आपके इस जीवन को, वर्तमान जीवन को, भविष्य जीवन को और अंतिम जीवन को भार मुक्त बनाने के लिए है। आप जब इस जब थोड़े दिन करते हैं लोग फिर आके पूछते हैं कि महाराज आगे बढ़ने की कोई बात बताओ, बस यहीं तक रहना है, आगे क्या होगा? तो भाई तुम क्या चाहते हो कि मरते समय हमें भगवान का नाम न आवे? तो असल में अपने जीवन का अभ्यास ऐसा होना चाहिए और ऐसी वस्तु का होना चाहिए जो मृत्यु के समय तक, शरीर छोड़ने तक हमारे जीवन में बना रहे। कब तक सच बोलेंगे कि आप ऐसा पूछते हैं? कब तक हम लोगों से लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे कि ऐसा आप पूछते हैं? क्या कब तक हम जप तप करेंगे ऐसा आप पूछते हैं? तो भाई अपने जीवन को अंत समय में जैसा रखना है वैसा अभी से बनाने का प्रयास करना चाहिए। तो आपको अपने जीवन में धर्मात्मा होना है। धर्मात्मा का मतलब ये नहीं है कि आप चंदन कैसा लगाएंगे या कपड़ा कैसा पहनेंगे, पीला कपड़ा होगा तो बड़े धर्मात्मा, या चंदन ऐसा लगा होगा तो बड़े धर्मात्मा, और आप अपने गले में कोई मूर्ति लटका के चलेंगे तो बड़े धर्मात्मा, और माला ऐसी पहनेंगे तो बड़े धर्मात्मा, ये मतलब नहीं है। धर्म का मतलब है जैसे आपके मोटर में ब्रेक होता है उसको जब चाहे रोक सकें, जब चाहे जैसा मोड़ दे सकें, जीवन को मोड़ देने का सामर्थ्य क्षमता आप में होनी चाहिए। धर्म कहते हैं आपके जीवन में जो शक्ति है उसका ठीक ठीक सदुपयोग हो। आपकी आंख गलत चीज देखने के लिए न जाए, आपका पांव आपको गलत जगह पर न ले जाए, आपका हाथ गलत काम न करे। धर्म माने धर के रखना हो, पकड़ के रखना। धरति इति धर्मः, ध्रियते अनेना इति धर्मः। हमारे अंदर जो रोक लगाने की शक्ति है कि हम बुरा काम न करें उसका नाम धर्म होता है, और ये हमको बुराइयों से और संसार में भटकने से बचाने वाला होता है। तो ये धर्म है अपवर्ग के लिए। अपवर्ग के लिए माने भार मुक्त जीवन व्यतीत करने के लिए हमें होना चाहिए धर्मात्मा। और धर्म अर्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय न स्मृतः। हमारे जीवन में जो अर्थ हो वो किसके लिए हो, हमारे पास धन हो
तो उसका सदुपयोग होना चाहिए। इकट्ठा करने के लिए धर्म नहीं होता है, बड़प्पन का अभिमान लाने के लिए धर्म नहीं होता है। धर्म होता है एक तो जीवन में निकम्मापन ना आवे, कर्म हो लेकिन जीवन में चाह जो है वो कम से कम हो, अपने जीवन में जो शक्ति है उसका तो सदुपयोग हो, हमारा धन गरीब के काम आवे, हमारा बल जो है वो निर्बल के काम आवे, हमारी बुद्धि निर्बुद्धि के काम आवे, हमारे अंदर जो शक्ति है उसका सदुपयोग होना चाहिए, और स्वार्थ नहीं होना चाहिए कि इसके द्वारा हमको ये वस्तु मिले, और तीसरे अभिमान नहीं होना चाहिए। यदि आपके जीवन में ये तीन बात है कि आप ईमानदारी के साथ अपने बल का प्रयोग अपनी शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं, सदुपयोग कर रहे हैं, और स्वार्थ आपके जीवन में नहीं है और अभिमान से आप मुक्त हैं, तो आप धर्म का असली फल इसी समय भोग रहे हैं। मरने के बाद धर्म का फल मिलेगा, वो तो जब मिलेगा जब देख लेंगे। इस समय धर्म करने में, एक गरीब को चार पैसा देने में नारायण, एक भूखे को भोजन देने में, एक रोगी को औषधि देने में, एक नंगे को वस्त्र देने में, एक अयोग्य को योग्य बनाने में जो आपकी शक्ति का सदुपयोग होता है, वही आपकी जीवन यात्रा का सर्वोत्तम भाग है। अभिमान रहित, स्वार्थ रहित, और अपने पास जो भी शक्ति है वो उसका सदुपयोग होवे, यही सर्वोत्तम है। तो नारायण, धर्म होता है बंधन से, भार से मुक्त करने के लिए, और धन जो होता है वो धर्म करने के लिए होता है। धर्मस्य यापवर्ग्यस्य नार्थोर्थाय उपकल्पते। यदि धर्म करके कुछ थोड़ा सा धन आपने कमा लिया तो वो धर्म का कोई सदुपयोग नहीं है, उससे तो भार से मुक्ति होनी चाहिए। और धर्मस्य अर्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय न स्मृतः। आपके पास थोड़ा सा धन आ गया और भोग में लग गए और भोगियों का संग मिल गया, अब महाराज जुआ खेलने लगे, शराब पीने लगे, परस्त्री गमन करने लगे, दूसरों का तिरस्कार करने लगे, ये आपके धन दौलत के लिए बड़ा भारी दुखदाई, जिससे आप बहुत बड़ा सुख प्राप्त कर सकते उतने दीजिए, बाकी औरों को काम में आने दीजिए। इसके संबंध में इतनी सावधानी रखना आवश्यक है, आजकल तो सब छूट छाट गया, परंतु सबके बारे में तो कोई बात कही नहीं जा सकती। एक बादशाह थे, उन्होंने 12 बजे रात को देखा कि उनके खजाने में रोशनी हो रही है। शंका हुई उनके मन में, इस समय खजाने में रोशनी कैसे। पास जाके देखा तो खजांची जी बैठ के कुछ हिसाब लगा रहे थे। तब निडर होके वे चले गए कि खजाने में तो कोई चोर डाकू नहीं है, हमारा खजांची ही है। जाके उसने पूछा, क्यों खजांची साहब आधी रात के समय आप खजाने में बैठकर क्या हिसाब लगा रहे हैं। खजांची ने कहा कि सरकार जहां पनाह, कुछ गड़बड़ी हो गई है हिसाब में, कि क्या हुई है, घटता है कि बढ़ता है। उसने कहा कि बढ़ता है साहब। और उन्होंने कहा फिर इतनी फिक्र क्या है, जब बढ़ता है अपना कुछ घटा है नहीं, गया है नहीं, तो कल हिसाब लगा लेना। उसने कहा कि नहीं, न जाने किस गरीब का, किस अनजान का, किस अनपढ़ का हिसाब हमारे हिसाब में मिल गया है,
जब उस गरीब को मालूम पड़ेगी कि हमारे हिसाब में भूल हो गई है तो हाय हाय करेगा, उसको दुख होगा। तो उसके दुख का प्रभाव हमारे खजाने पर, हमारी संपत्ति पर, सरकार पर, हजूर पर न पड़े। उसके पहले ही हम हिसाब में से जो दूसरे का हिस्सा आ गया है उसको काट करके निकाल दें तो दूसरे की हाय हमारे ऊपर नहीं पड़ेगी। तो नारायण, ये भी व्यवहार में ध्यान रखने योग्य है कि कहीं हम दूसरे का हिस्सा जो दूसरे को मिलना चाहिए उसको जबरदस्ती या भूल से या भुलावे में डालकर ले न लें। सावधान रहना चाहिए इसके संबंध में। एक बार ले लेंगे चलेगा, दो बार ले लेंगे चलेगा, तीसरी बार तो नारायण आपके बारे में ऐसी प्रसिद्धि हो जाएगी कि लोग आपका विश्वास करना ही छोड़ देंगे। तो विश्वास पात्रता हट जाएगी और दूसरे का जो दुख है, दूसरे की जो हाय है, वो अपने ऊपर पड़ती है। इसलिए तीन बात पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आपके पास जो धन संपदा रखी है, आपके शरीर में जो शक्ति है, आपकी बुद्धि में जो योग्यता है, वो सबके काम आवे, उसका सदुपयोग हो और आप कहीं स्वार्थी न बन जाए। आपके पास ग्राहक आवे तो केवल यही न देखें कि हमको इससे सौदा करने में क्या लाभ है, ये भी देखें कि इसको क्या फायदा होगा, इसको क्या लाभ पहुंचेगा। आप कहीं सौदा लेने जाएं तो यही न सोचें कि हम दुकानदार का माल उठाकर ले जाएं, बल्कि ये सोचें कि हमारे साथ सौदा करने में दुकानदार को भी चार पैसा बचेगा कि नहीं बचेगा। इस तरह यदि हम अपने व्यवहार में रहें तो सामने वाला आपके सिवाय और कहीं सौदा करने जाएगा नहीं, आपके पास आएगा और आप उसके साथ बेचना बहुत अच्छा पसंद करेंगे। तो ये देखने में तो बात बहुत छोटी छोटी है, लेकिन ये साधना के क्षेत्र में भी, न केवल व्यवहार के क्षेत्र में बल्कि साधना के क्षेत्र में भी बहुत उच्च कोटि की है। आप अपने ईश्वर पर, इष्ट देवता पर कितना विश्वास करते हैं, ईमानदारी का बर्ताव कितना करते हैं, दूसरों का हक लेने से कितना बचते हैं, अपने हक को बांटने में कितनी तत्परता रखते हैं, इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ता है। और जीवन यात्रा जो हो रही है वो यात्रा सफल तब ही होगी जब उसमें ईमानदारी होगी, जब उसमें विश्वास होगा, जब उसमें उत्साह होगा, जब उसमें पराये के भला का दृष्टिकोण होगा, जब हम उसमें अपनी दृढ़ विश्वसनीयता स्थापित करेंगे कि लोग हमारे ऊपर, हमारे बनाए माल के ऊपर और विश्वास करते चलें, और साथ साथ हम ईमानदारी से ईश्वर पर विश्वास करें और ईश्वर का भरोसा रख करके आगे चलें। हम आपको कई बात ऐसी सुनाना चाहते हैं जो हम लोगों के जीवन में घटित होती है। जहां हमारे पास भोजन नहीं रहा है, भगवान ने लाकर हमको भोजन दिया है। जब हमारे पास यात्रा करने के लिए किराया नहीं रहा है, भगवान ने लाकर हमको किराए का पैसा दिया है। जब हमें बैठने के लिए कहीं छाया नहीं मिल रही थी वर्षा में, आंधी में, उस समय आकर के भगवान ने अपनी गोद में दे दिया है। तो नारायण, ये जो श्रद्धा का जीवन है, विश्वास का जीवन है, भक्ति का जीवन है, ये जो अपनी शक्ति के सदुपयोग का जीवन है, ये जीवन यात्रा के लिए बड़ा भारी संबल है और बहुत बड़ा सहायक है। हम अभी 2-3 दिन में आपको अपने जीवन की कई घटनाएं ऐसी सुनावेंगे जिसमें भगवान ने साक्षात आकर के हाथ पकड़ करके अपनी गोद में लेकर के और हमारी सहायता की है। आप नारायण इस मार्ग पर
चल रहे हैं, आपकी जीवन यात्रा सफल हो और अधिक से अधिक भगवान पर विश्वास बढ़े, आपके मन में उत्साह हो और आप और आगे बढ़ें। ओम शांति शांति शांति। अच्छा रोक लो लोगों को, हाँ तो कह दो, पहले लाउड स्पीकर पर कहो, ऐसे तुम्हारी आवाज। नहीं कुर्सी से तो नहीं चलेगा, उतर के जाओ।